इसमें मैं आपको इस तरह की रचना की अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, जो रचनाओं से मैं भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र कथक के संपर्क में आया। पहले मुझे कुछ पता नहीं था, मैं छोटा था, हम गांव से सिटी में आए, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जामनगर आया। हमारा बहुत बड़ा कुटुंब था जिसमें मैं रहता था, 22 जन का कुटुंब था, और जो हमारे कुटुंब में गायन चलता था, शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग सबर गायन, ये कुछ भी हम खेलते थे, गायन की अंत कड़ी खेलते थे या ऐसा कुछ भी, जब बैठते थे गाना गाते थे तो शास्त्रीय राग पर आधारित जो फिल्मी रचनाएं थी ये सब गाते थे बड़े भाई बहन, और इसको ज़्यादा इनकरेज करते थे। हम ऐसे वैसे गीत गाए उसको प्रोत्साहित नहीं करते थे, लेकिन अगर हम कोई शास्त्रीय राग पर आधारित रचना गाए तो तुरंत सब प्रोत्साहित करते थे। तो धीरे धीरे ये सारी रचनाएं, जो नृत्य के प्रति मेरा लगाव था, प्रेम था, उसका बहिर्गामी स्वरूप प्रकट होने लगा। ऐसी कुछ रचनाएं मैं आपके समक्ष अभी ये 6 दिन प्रकट करूंगा। इसका विज्ञान इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं परमात्मा की ऐसी व्याख्या करता हूं, शाब्दिक, जो प्रतिपल विकासमान है वही केवल परमात्मा है, द लेटेस्ट वन, और उसके साथ अगर हमें संबंध बनाए रखना है तो प्रतिपल विकासमान रहना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है। ये जो 6 दिन है, क्यों 6 दिन, ये सारी ऐसी रचनाएं हैं, मैंने अनुभव किया कि ये खाली एक बार देखने की या एक बार प्रकट करने की रचना ही नहीं है। जैसे जैसे हम इसके अंदर उतरते जाते हैं, आप स्वयं देखना ये 6 दिन का प्रयोग कि किस तरह से रचना विकासमान होती है, बहुत अलग अलग आयाम से रचनाओं को प्रकट किया जा सकता है। आज की जो रचनाएं हैं फिल्म से ली गई है, क्योंकि मैं जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय में खाली रेडियो अवेलेबल था, टेप रिकॉर्डर भी नहीं, तो जब कभी एक बार सुन लेते थे और वो रचना कान में चली जाती थी तो उसको गुनगुनाते गुनगुनाते गुनगुनगाते उसके ऊपर नृत्य की अभिव्यक्ति करते थे। बहिर्गामी नृत्य की बात कर रहा हूं। एक ऐसी रचना, बहुत सुंदर रचना, आप भी मेरे साथ गाने का प्रयत्न करें। जनक जनक पायल बांझे, जनक जनक पायल बांझे, पायलिया की रुनक झुनक पर, पायलिया की रुनक झुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक झुनक पर, पायलिया की रुनक झुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, नील गगन भी सुन कर झूमे मधुर मधुर मुस्काए, मधुर मधुर मुस्काए, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार, राग रंग भी राचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे। पवित्र राग अडाणा, नेम ऑफ द राग इज अडाणा। जो नृत्य है इसमें गायन का भी बहुत महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है, गायन की प्रक्रिया। जितना गायन अंदर जाता है, हृदय को छूता है, ये शक्ति धीरे 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 धीरे
नृत्य की अभिव्यक्ति में रूपांतरित हो जाती है। पहली जो मैं दो रचना आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, ये वसंत देसाई का संगीत है। जो पहली रचना है रागडाणा, वसंत देसाई का संगीत, जनक जनक पायल बाजे। और दूसरी रचना मुगले आजम से, जिसमें तराना, ये भी राग अडाणा। तराना जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नृत्य नाट्यम, इसमें मुक्त गति या परम गति जिसे कहे, ये नाम दे रहा हूँ तराना को। ये अभिव्यक्ति इस तरह से है, या तो ये नृत्य के अंत में जब समाप्त करते हैं तब भी लिया जाता है, या जब नृत्य प्रारंभ करते हैं तब भी लिया जाता है। जो प्रारंभ करते हैं तब लिया जाता है, ये एक प्रकार का आह्वान है कि जिसमें परम शक्ति को हम अब अनुभव करना। ये तराना जब मैं प्रकट करूँ, आप क्या अनुभव करते हो? मैं धीरे धीरे, ये 6 दिन का प्रयोग है, मैं आपके समक्ष कहता जाऊँगा। कर कुछ बातें ऐसी है कि मैं पहले से आपको नहीं बताता, आप स्वयं क्या अनुभव कर रहे हो मैं कहता हूँ, इसलिए आप देखो, ऐसा मैं नहीं कहता, या आप इस तरह से सोचो, ये भी मैं नहीं कहता हूँ। आपका दर्शन क्या कहता है, आपकी अनुभूति क्या कहती है। तो तराना, दूसरी अभिव्यक्ति तराना, सेम राग अडाणा, ये 9 साल का कंपोजिशन। और मैं छोटा था, मैं आपको कहूँ, मुझे ये बहुत, इसमें बहुत रस रहता था कि कोई एक संगीतकार एक राग पर एक रचना बनाता है, कोई दूसरा संगीतकार वही राग पर दूसरी रचना बनाता है। तो दोनों अपनी अपनी, वही स्वर है लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति बदल जाती है। ये मुझे सुनने में और इस पर नृत्य कंपोज करने में बहुत, इसका मजा मैं लेता था। देखिए आज के रचना ये दो, जो राग अडाणा पर आधारित है। यू हैव लेड मी